इन दिनों भोजपुरी ऐसी गायिकाएं हैं जिन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित अपनी ओर किया है। आप समझ गए होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं। हम बात कर रहे हैं शिल्पी राज की और अंतरा सिंह प्रियंका। जी हाँ, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम ये बताएंगे कैसे अंतरा सिंह प्रियंका और शिल्पी राज भोजपुरी इंडस्ट्री की रातों रात दो बड़ी गायिकाएं बन गई। लेकिन क्या ये महज एक दिन की मेहनत है? जी नहीं, ये सालों का परिश्रम है। और आज लोगों को नज़र आ रहा है कि बड़े ही कम समय में इन्हें इतने जल्दी कामयाबी मिल गई। वैसे आपको बता दें कि दोनों के जो काम करने का स्टाइल है एक दूसरे से अलग है। हाँ, ये बात और है, अंतरा सिंह प्रियंका की आवाज़ को ज़्यादा पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन शिल्पी राज की आवाज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। शिल्पी की आवाज़ में जो कशिश है वो लोगों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है बजाय अंतरा सिंह प्रियंका की। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंतरा सिंह प्रियंका की आवाज़ में जादू नहीं है। अगर आवाज़ में जादू नहीं होता तो भतीजवा तोर मौसी जिंदाबाद जैसे गाने को इतना बड़ा व्यूज़ कैसे मिलता। वैसे आपको बता दें, हर वक्त जो भोजपुरी में गायिकाएँ होती हैं वो अलग दौर की आती, फिर चाहे वो आप कल्पना को देख लें या फिर प्रियंका सिंह को देख लें या फिर अंतरा सिंह प्रियंका को देख लें और अब शिल्पी राज को देख लें। जी हाँ, शिल्पी राज भोजपुरी की वो गायिका है जिनका एक गाना बहुत ही कम समय में 100 मिलियन क्रॉस हुआ है और उस गाने का नाम है नदिया के तीरे तीरे। जी हाँ, जो कि बहुत कम समय में इस सॉन्ग ने अपनी जो छाप छोड़ी है ये उपलब्धि बहुत कम लोगों के हाथ आती है। वैसे आजकल शिल्पी राज का गाना चित बदली भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वो बात और है कि उनका ये गाना YouTube से डिलीट हो चुका है। वहीं बात अगर आप अंतरा सिंह प्रियंका की करेंगे तो आपको उनकी आवाज़ में जो एक अल्हड़पन है वो दिखाई देगा। लेकिन शिल्पी राज और अंतरा सिंह प्रियंका का हम यहाँ कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप कभी एक समकालीन गायिका होती है तो आपका कंपेयर अपने आप ही इंडस्ट्री में हो जाता है। वैसे लगातार शिल्पी इसलिए लोगों के आंखों का तारा बनी है क्योंकि शिल्पी के साथ जो भी गाने आ रहे हैं, चाहे वो खेसारी के हों, चाहे वो अंकुश राजा के हों या फिर हो रितेश पांडे के, सभी गाने 100 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं। जी हाँ, फिर परदेसिया की भी बात अगर कर लेंगे तो भोजपुरी का ये बहुत बड़ा सॉन्ग है जो कि खेसारी के हिस्से आया, इसे भी शिल्पी राज ने गाया और क्या गाया, बखूबी गाया और लोगों को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है। आज आप ये कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक या फिर सैड सॉन्ग गवा लीजिए या फिर नॉटी नंबर या फिर रोमांटिक सॉन्ग, एक आवाज़ है जो आपको अपना बना लेगी और वो आवाज़ है शिल्पी राज की। जी हाँ, शिल्पी की आवाज़ में जिस तरह की कशिश है उनके गानों पर आप देखते होंगे कि अश्लीलता के आरोप भी बहुत कम लगते हैं, जिस हिसाब से अंतरा सिंह प्रियंका के गानों पे सबसे ज़्यादा अश्लील गानों का, या यूं कह ले कि सबसे ज़्यादा अश्लील गाने अगर किसी ने गाए हैं, इस तरह के आरोप अंतरा सिंह प्रियंका पे लग जाते हैं। लेकिन शिल्पी राज पे अभी इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं। शिल्पी का गाना फिर लोगों को बहुत ही पसंद आता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।